जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। कैसे हैं आप सब? आज के ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको धन समृद्धि पाने के लिए कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय बताऊंगी जो बहुत ही आसान है, हर इंसान कर सकता है, हर घर की महिलाएं कर सकती हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, आज ये जो उपाय बता रही हूँ सभी खासकर घर की महिलाओं के लिए ही हैं। देखिए, आज की डेट में हर इंसान पैसे की वजह से ही परेशान है। किसी के पास पैसा नहीं है, अगर पैसा है तो भी वो उसके काम नहीं आ पा रहा, किसी की उधारी है, किसी की और भी बहुत सी परेशानियाँ हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार है तो चल नहीं रहा, इसी तरह की अनेकों ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सिर्फ तभी सही हो सकती हैं जब आपके पास, आपके हाथ में पैसा हो और वो सही तरीके से आपका हर सुख साधन का जरिया बना हो, तभी वो पैसा आपके काम का है। तो सब इन सब सुख सुविधाओं को पाने के लिए कुछ छोटे छोटे उपाय बताऊंगी जिनके कारण क्या होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी धन समृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेंगी, स्थायी रूप से वास करेंगी। ठीक है, तो वीडियो को हमेशा एंड तक देखा करिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको लाभ मिल रहा है, एक यही नहीं कोई भी, जितनी भी आप वीडियोस देखते हैं जिनसे अगर आपको लाभ मिल रहा है, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों मित्रों के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। क्योंकि अगर आपको लाभ मिल रहा है, अगर आपका फ़ायदा हो रहा है, तो किसी और का भी फ़ायदा होना चाहिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को स्मूथ तरीके से जी पाए। आपकी वजह से अगर किसी का फ़ायदा होता है तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। तो चलिए, बिना समय गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, धन संपत्ति को प्राप्त कर लेना, पा लेना, कमाई कर लेना, इस धन को स्थायी रूप से रख पाना, उसका सही यूज़ कर पाना बहुत कठिन होता है। और ख़ास ये बता देती हूँ कि ये उपाय जो मैं बताने जा रही हूँ ये सारे खासकर महिलाओं के लिए हैं। तो सभी महिलाएं मित्र जो हैं यहाँ पे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, आरजू फैमिली की मेम्बर्स हैं जो, और बाहर के भी जो हैं, सभी महिलाएँ सभी ध्यान से सुन लें, और मेरी पूज्य माताएं सभी इन चीज़ों को ध्यान से सुन ले और इनको पूरा फॉलो कीजिए ताकि आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे, आपके घर में भी धन का आगमन रहे, स्थायी रूप से माँ वास करती रहे। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठकर सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से देखना है, देखकर अपने मुंह पर फिराना है। अपने मुंह पर फिराते हुए अपने भगवान, अपने इष्ट देव को याद करना है। ठीक है, 3-4 बार हाथ को फिराना है, फिर अपने इष्ट देव को याद करना है, और फिर जो स्वर आपका चल रहा हो वही, उसी साइड का पैर आपने धरती पर रखकर नीचे उतरना है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है, इसके बाद भोजन के लिए बनाई जा रही पहली रोटी या पहला चम्मच, जो भी आपके घर में बनता है, घर में सबसे पहला, चाहे वो नाश्ता हो या कुछ भी हो, उसका पहला निवाला, पहली रोटी गाय के लिए और कौओं के लिए ज़रूर निकालना है, एक भाग ज़रूर निकालना है। ठीक है, निकाल कर उनको देना है। देखिए, कुत्ते की जो रोटी होती है वो सबसे लास्ट में दीजिए, सबसे पहले गाय की दीजिए, फिर कौओं को दीजिए, उसके बाद कुत्ते की रोटी दीजिए। ठीक, इसके बाद आटे के लिए गेहूँ हमेशा शनिवार को ही पिसवाना चाहिए। अगर आप कर पाएँ तो जितना आपका आटा है उसका 10वां भाग काले चने साथ में आटे के ज़रूर पिसवाने चाहिए, ज़रूर पिसवाएं, और साथ में थोड़ी सी उसमें केसर भी डाल लें। इतना कार्य आप ज़रूर करें, इससे क्या होगा, आपके रसोई में बरकत होगी और आपके घर परिवार के सदस्य निरोगी रहेंगे। घर में स्थापित जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जितने भी घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं, तस्वीरें हैं, सब पर हमेशा रोली, कुमकुम, चंदन, इन सब का तिलक लगा के रखा कीजिए। उनका माथा, उनके पैर कभी भी बिना तिलक के नहीं रखने चाहिए, अशुभ होता है।
इसके बाद सुबह जब भी आप नाश्ता बनाएं, आप अपने रसोई घर में जाएं, नाश्ता बनाने से पहले, चाय बनाने से पहले अपने रसोई में, अपने घर में झाड़ू ज़रूर लगा लें। झाड़ू लगाने के बाद ही आपने अपने रसोई घर को, अपने चूल्हे को इस्तेमाल करना है, सफाई, साफ़ सफाई करने के बाद में, ठीक है। दूसरी बात, संध्या समय में झाड़ू पोछा कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, लक्ष्मी बाहर जाती है। अगर आप संध्या के समय, पूजा आरती के समय झाड़ू पोछा लगाते हैं तो इससे आपके घर से सुख शांति बाहर को जाती है, इसलिए यह कार्य कभी नहीं करना चाहिए। फिर इसके बाद शाम होते ही घर में दीपक ज़रूर जलाएं। दीपक देसी घी का, तेल का, मेन गेट, ये दो कार्य ज़रूर करने चाहिए। देखिए, संध्या होते ही, शाम होते ही सिर्फ हम घर में लाइट्स जगा देते हैं तो उतना ही काफ़ी नहीं है। घर में भगवान को, अपने इष्ट देवताओं को याद करते हुए ये दो दीपक हमेशा करने चाहिए, दिन छिपते ही, ठीक। इसके बाद इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप घर के मेन गेट पर तेल का दीपक जलाते हैं तो इससे बाहर से आने वाली नकारात्मक ऊर्जा पर रुकावट आ जाती है और वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। दीपक अपनी लो से, अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मकता को ख़त्म कर देता है, इसीलिए ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। दीपक करने के बाद शाम को धूप आरती के समय घर की सुहागिन महिलाएँ पूरे मन प्रसन्न चित्त होकर आरती करें, धूप दीप करें, भगवान का घर में भजन लगाएं, आरती लगाएं, म्यूज़िक लगाएं, म्यूज़िक में भजन चलता रहे, ये कार्य ज़रूर करने चाहिए। इससे आपके घर में खुशियों का वास होता है, तो ये कार्य ज़रूर करने चाहिए। इसके बाद जब भी सुबह सुबह किसी को भी घर से बाहर किसी ज़रूरी काम के लिए जाना हो, यात्रा पे जाना हो, तो जाने से पहले ही घर में महिला झाड़ू लगा दें। जाने के बाद में जब घर से निकल जाता है आपके घर का व्यक्ति, उसके बाद में आपने कम से कम आधा पौना घंटा बाद झाड़ू लगाना है। उनके जाते ही आपने झाड़ू नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो जो व्यक्ति आपके घर से गया है यात्रा के लिए, उसकी यात्रा में विघ्न आएंगे और जिस काम के लिए वो व्यक्ति गया है उस कार्य में रुकावटें आएंगी, तो ऐसा कार्य कभी ना करें, ठीक है। और एक चीज़ और, जब भी व्यक्ति घर से निकले कभी भी खाली पेट ना निकले, ठीक। अगर आपके घर में मिठाई है, मीठा खाए, गुड़ है, गुड़ खाएं, नहीं तो दही के अंदर मीठा डालकर, चीनी डालकर ज़रूर खा कर जाएं। खाली पेट कभी नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ये अपशकुन होता है। देखिए, ये सब जो भी उपाय बता रही हूँ ये आपके घर की सुख समृद्धि को बनाए रखने के लिए हैं। अब इसके बाद है वीरवार। वीरवार के दिन किसी भी महिला को सुहाग की सामग्री दान ज़रूर देना चाहिए। घर की स्त्री अपने घर के किसी भी मित्र महिला को, किसी भी अपनी मेड को, किसी को भी दे सकती हैं, तो सुहाग की सारी सामग्री आपने वीरवार के दिन ज़रूर देनी है, ठीक है, ये कार्य आपने ज़रूर करना है। देखिए, और भी बहुत से छोटे छोटे उपाय हैं, वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, तो इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ। इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगी और बाकी के उपाय उसमें बताऊँगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सेकंड पार्ट लेके आऊँ या नहीं। अगर आपके कमेंट मुझे कम से कम 75% पॉजिटिव मिलते हैं तो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि वाकई में सभी उपाय जेन्युइन हैं और आप कर सकते हैं, तभी आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ, अगली आप वीडियो ज़रूर बनाएं, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो इसी तरह से इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए, इसे लाभ लीजिए और जुड़े रहिए चैनल से। सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए और अपने रिश्तेदारों, मित्रों में ज़रूर शेयर किया कीजिए अगर आप मेरी वीडियो से लाभ लेते हैं तो। तो तब तक के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार करते हुए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र।